कैसे हो आप लोग? सब जन स्वस्थ मस्त होंगे। हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग को आज क्या दिखाने वाला हूँ, आप मन वीडियो में पूरे बने रहो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो ला लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले संगवारी हो। और आप मन कुछ मोलिए दवाई बताना कि मेरा गला इतना दिन हो, इतना दुख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या खाऊं क्या पीऊं, कुछ भी समझ में नहीं आया। और जब से मैं अंगूर खाऊं वो दिन से मोर गला बहुत ज़्यादा पिरा थे। आप मन भी अभी अंगूर वगैरह बीका थे ओला बिल्कुल मत खाऊं, और खाऊं ओला भी नमक डाल के थोड़ा 15-20 मिनट रख दूँ ओकर बाद खाऊं संगवारी हो। कहाँ पर कि गला बहुत ज़्यादा दुखा थे, मैं इतना परेशान हूँ, कितना भी दवाई खा लियो फिर भी कुछ भी काट नहीं करा थे। तो आप मल्ला बता दे तो संगवारी हो कि आप मन बिल्कुल मत खाओ। कापर की बहुत अच्छा नहीं लगा थे, मैं बता नहीं सकूँ आप मल्ला कितना दिन हो गए। मम्मी से फोन करके पूछे हो तो मम्मी बोलते ये वो कर लो पानी से ऐसे करके, तो थाली में काट के पी लो ऐसे करके, वो भी उपाय कर दो काली मिर्च ला वो क्या बोलते घी के साथ तड़का करके खाना पीना ऐसे किस्सा, वो भी खा रहे हो लौंग खा रहे हो फिर भी कुछ भी काट नहीं कर रहे थे। जो मोर बगल वाले जो दीदी रहते वो भी अभी पूछे हो तो वो भी बोली से दालचीनी ला खा ऐसे करके, वो भी मैं ठीक नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ इन्फेक्शन है कहाँ है। तो आज मैं जाऊँ डॉक्टर के पास और फिर से कावर की कुछ भी दवाई खा रहा हूँ, कावर अब टेस्ट ही कराल पड़ी तब मालूम पड़ी कि गला में का है। और वैसे कुछ नहीं लगा थे गला में, ना गठान वगैरह कुछ भी ऐसे ही कुछ नहीं लगा, फिर भी दर्द कावर है ओला मुला समझ नहीं आद, जो भी खा पी रहे हो तो ऐसे कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आज मैं जाऊँ तो आप मैं बताऊँ कि कौन से इन्फेक्शन की वजह से कि काए मुला 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डस्ट से एलर्जी रही से काबर की कहीं भी जात रही हूँ मुला डस्ट एकदम फंस जात रही इसका वही हरे खांस खांसी की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा ही आतरी तेज ही खांसी आतरी से डस्ट वजह से, तो ओकर वजह से तो मुला शायद हो सकते पर पता नहीं का वजह से। तो आप मैं बताऊँ ठीक है।